आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं बोलूँ कि अच्छा ब्रेड बिस्किट और जो भी बेकरी की आइटम है वो अब आर्मी बनाएगी, आपके घर दुकान शॉपिंग मॉल जो भी रियल एस्टेट की चीज है वो भी आर्मी बनाएगी। अगर आर्मी ये सब करेगी तो डिफेंस का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कुछ आज ऐसी हालत आज पाकिस्तान की है। आज पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए है। पेट्रोल 272 रुपये लीटर, आटा 160 रुपये किलो और दूध 210 रुपये लीटर, प्याज 180 रुपये किलो। ऐसी भयानक महंगाई आज पाकिस्तान में फैली हुई है। और दूसरी तरफ फॉरेन रिजर्व भी आज 3 बिलियन के नीचे आ चुका है। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि सरकार को अब ये कहना पड़ रहा है कि आप चाय की एक एक प्याली कम कर दो ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व के पैसे बच जाए, क्योंकि अब चाय इम्पोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। रात 8:30 बजे सब बाजारें बंद हो जाती है, मॉल बंद हो जाते हैं ताकि बिजली की बचत हो सके, लेकिन बिजली की बचत का कहीं दूर दूर तक नामो निशानी नहीं है। इसकी वजह से GDP ऑलरेडी 4% डाउन हो चुकी है। तो आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। और कौन इनके लिए जवाबदार है, आर्मी या कौन? हर बार आम आदमी को ही पिटना जरूरी है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसे हुई, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर एक देश चलता कैसे है। सरकार के पास टैक्स या अन्य किसी चीज से पैसा आता है, उसमें सरकार कुछ अमाउंट को खर्च करती है, जैसे कि रोड रास्ता बनाना, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, डिफेंस के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और प्राइमरी जो भी नीड है उसके ऊपर सरकार सबसे पहले खर्चा करती है और उसे फुलफिल करती है। और उसके बाद जो भी पैसा बच जाता है उसे वो लोग इकोनॉमी में लगाते हैं। अगर उसमें भी थोड़े पैसे कम पड़ते हैं तो सरकार लोन लेती है ताकि जो भी टारगेट किया गया हो वो टारगेट अच्छी तरह से पूरा हो जाए। जब इन फ्यूचर उस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत इनकम होने लगेगी तो सरकार उस लोन को रिपेमेंट कर देगी। हर देश का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान का शेड्यूल कुछ अलग ही तरह का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे जाते ही आने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ आगे आपको मैं बता दूंगा। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में अभी तक 29 PM रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान को 1947 में ही हमारे साथ ही आजादी मिली थी, लेकिन उनका पहला PM 1970 में बना था, यानी कि 23 साल तक सिर्फ आर्मी ने ही वहाँ पर राज किया था। अब आर्मी को समझ आ गया था किसे जो भी मजे है वो यहीं पे है, अगर हाथ में से पावर चला गया तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी कंट्रोल रहेगा वो सिर्फ आर्मी के पास ही रहेगा। इसलिए उन्होंने जो भी अपनी 3 आर्मी है उसके नाम से अलग अलग फाउंडेशन चला रखी है और उसमें से ही पूरा ट्रांजेक्शन करते है ताकि जो कुछ भी आए वो फाउंडेशन में ही दिखे। और वो भी एक अलग बात है कि उन्होंने फाउंडेशन को टैक्स फ्री का स्टेटस ऑलरेडी दे दिया है। उन्होंने जो भी PM उनके मुताबिक ना चलिए थोड़ा बहुत प्यादा तेरा चले तो उसे बाहर निकाल दिया ताकि आर्मी का कंट्रोल जरा भी लूज ना हो जाए। इसी प्रकार के रवैये के कारण आज पूरा देश डूबने की कगार पर है, या ऐसा बोल सकते हैं कि डूबी गया है। हर देश की इकोनॉमी चलने के लिए कुछ अलग अलग प्राइमरी बिजनेस होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब का होता है तो वो तेल के ऊपर निर्भर है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंडिया एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ 2 ही चीज पर चलती है, चंदा और कर्जा, यानी कि फॉरेन एड और लोन। रशिया और अमेरिका के पहले से ही बनती नहीं थी, इसकी वजह से अमेरिका को एज एशियन कंट्री में एक दोस्त चाहिए था ताकि वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सके, लेकिन इंडिया का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा था इसलिए इंडिया को उन्होंने स्किप कर दिया और उसके बगल में पाकिस्तान था। तो उन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग देनी शुरू कर दी और कहा कि अब तुम यहाँ पे अपने अफगान दोस्तों को बुलाओ और अफगान को ट्रेन करो, और पाकिस्तान को पूरा ट्रेनिंग का अड्डा बना दिया। और अमेरिका ने उसे आम भी सप्लाई किए और पैसे दिए, इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमी में बूस्ट भी मिला। और फिर इससे ही ट्रेनिंग सेंटर बढ़ते बढ़ते वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का अड्डा ही बन गया और वहाँ पे ही ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक टेररिस्ट वहाँ पे ही बने थे। और फिर रशिया वाली जो भी वॉर थी वो खत्म हो गई और अमेरिका ने फिर से फंडिंग बंद कर दी, इसकी वजह से पाकिस्तान को झटका लगा, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन फिर से जब 9/11 का अलकायदा का हमला हुआ तब अमेरिका को लगा कि अब इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है, अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये शायद फिर से हमला करेगा, इसकी वजह से उन्होंने फिर से पाकिस्तान को फंडिंग दी, क्योंकि अलकायदा जो भी
ऑपरेट कर रहा था वो पाकिस्तान और अफगान की सरहद के बीच में ही था। इसकी वजह से उन्होंने उसे टैकल करना आसान हो जाता। इसलिए अमेरिका ने पूरी अपनी आर्मी भेजी और अच्छी तरह से सबका सफाया ही कर दिया और अब अमेरिका का काम खत्म हो गया और फिर से अमेरिका ने अपनी फंडिंग बंद कर दी। पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से स्केल डाउन होने लगी, लेकिन तभी एंट्री होती है चाइना की। अब फिर चाइना चैप्टर में आता है। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि तुमसे तो ये पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पा रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि लोन दूंगा। और तकरीबन चाइना ने $30 मिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज तो हर लोग जानते हैं कि चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। वो लोन देकर पूरा देश ही खत्म कर देता है। पाकिस्तान के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान इसके बारे में मान गया और चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर सीपेक बनाया, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और फिर चाइना ने अपने ही वर्कर भेजे और अपनी कंपनी को टेंडर दिया और उन्होंने अपने आधे पैसे तो रिकवर ऑलरेडी कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर $38 बिलियन का कर्जा ऑलरेडी चढ़ चुका है। आपको याद होगा तो श्रीलंका और अफ्रीका के कई ऐसी कंट्री में चाइना की वजह से ही पूरी कंट्री बैंकरप्ट हो गई है। जब ये सीपेक फाइनल हुआ तभी थोड़ा बहुत काम होने के बाद इमरान खान को लगा कि अब चाइना वाले हमें दिक्कत दे सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने कई बार सीपेक का काम भी रुकवा दिया, लेकिन इसकी वजह से जो भी कुछ होने वाला था वो काफी डिफरेंट हो गया। चाइना ने अपने पूरे पावर प्लांट जो पाकिस्तान में बनाए थे उन्होंने सब बंद कर दिए और इसकी वजह से पाकिस्तान ने कभी सपने में ही सोचा नहीं होगा ऐसी दिक्कत उसके सामने आ गई थी। आज हर देश की हालत ऐसी है कि बिजली के बिना कुछ देश एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में जो कभी कभी बिजली जाती थी आज वो रोज का शेड्यूल हो चुका है। इसकी वजह से दुकानें और शॉपिंग मॉल पूरी अच्छी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं और फैक्ट्री में काम भी नहीं हो रहा। इसकी वजह से GDP 4% ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। अब इन सबका इलाज एक ही है कि अब और ज्यादा लोन ले और अब इनके ऊपर और कोई भरोसा नहीं करेगा। अब सिर्फ इनके पास एक ही जन है, वो है IMF। IMF के पास तब कंट्री जाती है जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन IMF पैसे ही पैसे नहीं दे देता। उनकी कुछ शर्तें होती है, अगर आप उसे मानोगे तो वो आपको पैसा देगा, वरना वो नहीं मानेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी 13 बार IMF से पैसे मांग चुका है, यानी कि उन्होंने 13 बार बेल आउट ले लिए, लेकिन एक भी बार पैसा नहीं लौटाया। अब 14वीं बार IMF से पैसे मांग रहे हैं। इस बार IMF ने कहा है कि अपने इनकम के सोर्स बताओ। मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के पास जो भी इनकम सोर्स है वो सिर्फ टैक्स ही है, क्योंकि उन्होंने आर्मी को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है। इसकी वजह से जो भी मेजोरिटी टैक्स आना चाहिए वो आ ही नहीं पाता और टैक्स फ्री होने की वजह से जो भी कुछ ज्यादा रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई है। और अब IMF कह रहा है कि अब अपनी सब सब्सिडियरी बंद कर दो और टैक्स ज्यादा बढ़ाओ। पाकिस्तान चाहे तो भी उसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी है। और दूसरा कंसर्न है कि आर्मी को जो भी तुमने छूट दे रखी है उसको पहले बंद करो। आम आदमी को खाने के पैसे नहीं है और आर्मी चर्चा कर रही है। देश चाहे भले बैंकरप्ट हो, लेकिन आज पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ है और तकरीबन अगर उनके टॉप 100 एम्प्लॉय यानी कि सेना के ऑफिसर को ले ले तो वो तकरीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। जब रिसेंटली जनरल बाजवा की वाइफ के अकाउंट को देखा गया तब 2015 या 16 में उनके अकाउंट में 0 रुपीज थे, लेकिन आज उनके अकाउंट में 220 करोड़ थे जब जनरल बाजवा वहाँ से रिटायर हुए थे। और अगर उनकी पूरी फैमिली की नेट पर देखें तो वो तकरीबन 12,700 करोड़ से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन कितना ज्यादा हो चुका होगा। जो भी अमेरिका या किसी भी देश से फंडिंग या कर्जा आता है तो वो लोग अपनी जेब में ही रख लेते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी में कोई ज्यादा पैसे का फ्लो बचता ही नहीं है और इसकी वजह से आज ये पाकिस्तान की हालत हो गई है। अब देखने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स हो जाता है तो क्या होता है। शायद चाइना आके उसे बचा ले, क्या होता है ये हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।